साबूदाना खिचड़ी और वड़े तो हर कोई बनाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि खिचड़ी चिपचिपी हो गई, खिली खिली नहीं बनी, कुछ ज़्यादा गीली हो गई तो कभी ज़्यादा सूख गई। और इसी तरह से वड़े भी काफ़ी तेल पी लेते हैं, कुरकुरे तो बिल्कुल भी नहीं बनते। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे साबूदाना की डिटेल्स बताती जाऊँगी, उसको भिगोने से लेके पकाने तक के। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा तो आपकी खिचड़ी भी नॉन स्टिकी और वड़े एकदम कुरकुरे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट में कौन कौन से साबूदाना मिलते हैं। मेरे पास ये दो अवेलेबल साबूदाना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मीडियम साइज के साबूदाना है जो कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं खीर खिचड़ी और वड़ों में। और दूसरे ये छोटे वाले भी होते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आगे मैं आपको रेसिपीज में बताऊँगी इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं आज ये मीडियम साइज़ वाला यूज़ कर रही हूँ। 1 कप साबूदाना लेंगे, इसको सबसे पहले 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि इसका जितना भी सफ़ेद पानी, क्लाउडी वाटर, स्टार्च पूरी तरीके से निकल जाए, तो आपकी खिचड़ी और भी खिली खिली बनेगी। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से धो लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे कि इसको सोक कैसे करना है। 1 कप साबूदाना के लिए मैं यहाँ पे इसको सोक कर रही हूँ 3/4 कप पानी के साथ। इतना इनफ हो जाएगा, इसी की वजह से आपकी जो खिचड़ी है और वड़ा दोनों परफेक्ट बनेंगे। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि पानी कम है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, बाद में भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप फिंगर, बस इतना ही पानी ऊपर होना चाहिए। इसको 4 से 5 घंटों के लिए सोक कर लेंगे। तो मैंने करीबन इसको 5 से 6 घंटों के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए जो साबूदाने अच्छे से भीग गए हैं, हर एक दाना एकदम खिला खिला है, मोती जैसे। कुछ भी पानी मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं है। प्रेस करके भी दिखाती हूँ, अंदर तक के सोक किया हुआ है। इसको साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स मान लीजिए अगर गलती से भी आपका साबूदाना ज़्यादा भीग जाए या गीला हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसको छन्नी में फैला दीजिए और पंखे की हवा के नीचे ऐसे आधा घंटा छोड़ दीजिए तो परफेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करके कम से कम 4 से 5 घंटा तो साबूदाना को ज़रूर भिगाइएगा ताकि वो अंदर तक सॉफ्ट हो सके, तो आपकी खिचड़ी कभी भी कच्ची नहीं लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कुछ रोस्टेड मूंगफली थी बिना स्किन वाली, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। उसको हल्का सा दरदरा चला लेंगे, आप चाहें तो छिलके वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा दरदरा मैंने रखा है, थोड़ा पाउडर, थोड़ा सा आखा, इसको डाल देंगे साबूदाना के ऊपर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले से मिक्स करने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, इवन मिक्सिंग हो जाती है, और अगर आप तेल में एक एक करके डालते हैं ना चिपचिपा हो जाता है और फिर ओवर कुकिंग हो जाती है साबूदाना की। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 से 2 टीस्पून भर के पाउडर्ड शुगर। हल्का सा बैलेंस हो जाता है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए अगर आप पहले से सब मिक्सिंग कर लेंगे तो पैन में आपको बहुत ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तैयारी भी हमने कर ली, साइड में रख देंगे। कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के घी, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, फास्टिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस 1 टेबलस्पून ऑयल भी। और कच्ची मूंगफली मैं कुछ यहाँ पे डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भर के। इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप कच्ची मूंगफली फ्राई करें ना तो हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत करना, जल्दी से जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। लो मीडियम पे मैं फ्राई करते जा रही हूँ। ये देखिए बढ़िया सी पक गई है, प्यारा सा कलर भी आ गया, तो इनको निकाल के साइड में रख देंगे। ठंडा होने के बाद भी थोड़ी सी क्रिस्पी और थोड़ी सी डार्क हो जाती है। फिर इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 10 से 12 करी पत्ता, और हम इन सारी चीजों को फ्राई कर लेंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ बॉईल किया हुआ आलू, जिसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है एंड मेरा तो पर्सनल फेवरेट है तो मैं ज़्यादा ही आलू डालती हूँ। इसको भी टॉस कर लेंगे ताकि जो घी और मसालों की कोटिंग है ना वो आ जाए और थोड़े से ऊपर से फ्राई हो जाए। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आप कच्चे आलू डाल रहे हैं ना तो यहीं पे कच्चे आलू डाल दीजिएगा, पर उसको ढक के थोड़ा सा पका लीजिएगा आगे का प्रोसेस करने से पहले। और मान लीजिए अगर आप टमाटर खाते हैं तो टमाटर भी यहीं आलू के साथ आप डाल सकते हैं। आलू में बढ़िया सी कोटिंग आ गई है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ साबूदाना जो कि हमने पहले से मिक्स करके रखा था। और अब एक और बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको सबसे पहले हाईएस्ट फ्लेम पे, ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए टॉस करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, साबूदाना थोड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे। हाँ, पूरी तरीके से पकेंगे नहीं, लेकिन पहले से ही हाई फ्लेम पे करना ज़रूरी है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, पहले से लो फ्लेम पे ढक के छोड़ देते हैं, तो इन दैट केस जो खिचड़ी है ना 100% चिपचिपी ही बनेगी। ये देखिए हाई फ्लेम पे टॉस कर दिया, हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट होने लगे तो अब इसको ढक्कन से कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे अच्छे से पकने के लिए करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं ऊपर से भाप आ रही है, इस भाप में अच्छे से पक जाएंगे साबूदाना, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो उसमें मॉइस्चर रहेगा, एकदम ड्राई सी नहीं होगी आपकी खिचड़ी। तो करीबन 5-6 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। लेड हटा के चेक करते हैं, ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है हमारा साबूदाना। आप देख सकते हैं सारे जो दाने अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं पहले साबूदाना कैसे थे और अब कैसे हो गए पकने के बाद। तो इसको ओवरकुक बिल्कुल नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट नहीं भी हुए, लेकिन वो ना अपने आप कैरी ओवर कुकिंग में या फिर जब आप ढक के रखेंगे ना तो अपने आप हो जाएंगे। ओवरकुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाएंगे और फिर एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेज़ है ना एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस और जो पहले हमने पीनट्स फ्राई करके रखे थे और फ्रेश धनिया, और फिर से टॉस करेंगे 1 और मिनट के लिए। सुपर, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी प्यारी खिचड़ी बनी है। तो अगर आपको कोई भी डिटेल फ्रेंड्स अच्छा लगा हो ना, कोई भी डिटेल हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और मैं क्या करी उसको ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे बस 2 मिनट के लिए बिना गैस ऑन किए। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अब फाइनली चेक करते हैं खिचड़ी को। ओ माय गॉड, देखिए कितनी प्यारी बनी है, परफेक्ट कलर है, ट्रांसपेरेंट है, चिपचिपी बिल्कुल नहीं है, नॉन स्टिक है। जब मैं ऊपर से गिरा रही हूँ तो एक एक दाना अलग अलग खिला खिला गिर रहा है और पकी भी पूरी तरीके से है। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको इसको बाद में भी गर्म करना है ना तो पानी का छड़का देके लो फ्लेम पर या फिर माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रीहीट कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसी भीगे हुए साबूदाना से कैसे बनाते हैं साबूदाना वड़ा। तो वड़ा बनाने के लिए वही 1 कप भीगा हुआ साबूदाना डाल देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ दरदरे कूटी हुई मूंगफली जो कि हमने पहले करके रखी थी, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, 1 टीस्पून जीरा, लेमन जूस, थोड़ा सा नमक और 1 से 2 टीस्पून पाउडर की हुई शुगर। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ करी पत्ता भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू को मैं ऐसे ग्रेट करके डाल रही हूँ, करीबन 4 मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा, बढ़िया सा इवन टेक्स्चर आएगा, कुरकुरे बनेंगे आपके वड़े और बहुत बड़े बड़े चंक्स नहीं रहेंगे ना तो टिक्कियाँ बढ़िया बनेंगी। साथ ही डाल रही हूँ फ्रेश धनिया और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि प्रपोर्शन मैंने क्या डाला है, जितना मैंने साबूदाना डाला था ना करीबन उतना ही आलू डाला है। तो इसका जो प्रपोर्शन है एकदम परफेक्ट है, इसकी वजह से आपके साबूदाना वड़ा 100% क्रिस्पी बनेंगे। तो अब अपने हाथों में तेल लगा लेंगे और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। राउंड, ओवल, जैसे आपको बनाना है आप बना सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के अप्पे भी बना सकते हैं अगर आपको नॉन फ्राइड खाना है तो। तो बस टिक्की बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, देखिए ऊपर की सतह एकदम इवन है और एक भी क्रैक्स वगैरह नहीं है, वरना तेल में डालेंगे ना तो तेल अंदर चला जाएगा और आपके वड़े सौगी बन जाएंगे। तो इसी तरह से सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे और फिर मैं क्या करी उसको रेस्ट करने के रख देंगे बस पंखे की हवा के नीचे 5 से 10 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा, टिक्कियाँ और भी ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। तब तक हम अपनी फटाफट फास्टिंग की चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए छोटे से ब्लेंडर में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश धनिया, कुछ करी पत्ता, 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ी सी मूँगफली, 2 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ। दही नहीं चाहिए तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं इसके बदले, थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी, 1 से 2 अदरक के टुकड़े और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लीजिए। तो ये देखिए हमारी बढ़िया सी एकदम हरी भरी क्रीमी फास्टिंग चटनी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। इसमें एक एक करके वड़ा डालते जाएंगे और इसको क्या करना है बस अब सबको पता है, पकाते जाएंगे फ्लिप करके जब तक ये बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक भी वड़ा फटा नहीं है क्योंकि हमने प्रपोर्शन एकदम परफेक्ट डाला है। कुछ लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा आलू डाल देते हैं सोच के कि बढ़िया बनेगी, बाइंडिंग अच्छी होगी, लेकिन उसमें ना साबूदाना का टेस्ट चला जाता है। और कुछ लोग इतना ज़्यादा साबूदाना डाल देते हैं कि ऊपर की सतह है ना फटने लगती है तेल पे, और ऊपर ऐसे फोफड़े जैसे आ जाते हैं, एकदम गोल गोल दिखते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रपोर्शन फ्रेंड्स अगर परफेक्ट रखेंगे तो परफेक्ट साबूदाना वड़े ही बनेंगे आपके। तो ये देखिए सारे साबूदाना वड़े फ्राई हो गए, बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है। मैं इनको निकाल दूंगी छन्नी में। और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो अब आपको देख के अंदाजा लग ही गया होगा कितने ज़्यादा कुरकुरे बने। ये देखिए इनकी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। वाओ, एकदम गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है, बाहर से कुरकुरे अंदर से सॉफ्ट। एंजॉय कीजिएगा इस चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स इस नवरात्रि इन सारी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको अलग टाइप की दो तरीके की साबूदाना खिचड़ी देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी नवरात्रि।